गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। बहुत अरसे बाद व्लॉग बना रहा हूँ। एक्चुअली मन नहीं था व्लॉग शूट करने का, बिल्कुल मन नहीं था, तो सोचा कि जब ही दिल करेगा तभी शूट करूँगा, क्योंकि जब कोई काम में मन नहीं लगता तो उसे नहीं करना चाहिए। और बहुत टाइम हो गया था व्लॉग नहीं बनाने, मतलब शॉर्ट्स डाल रहा था मैं, आई वॉज एक्टिव शॉर्ट्स इंस्टाग्राम, जो लोग मुझे फॉलो करते होंगे। लेकिन मेरे को लिटरली टू बी ऑनेस्ट मेरे को मन नहीं था व्लॉग बनाने का। तो आज का टॉपिक यह है कि आज हम जाएंगे अपनी मित्सुबिशी पजेरो SFX की कुछ काम करवाने हैं। सबसे पहला काम है कि इसका जो ये राइट साइड का पावर विंडो है ना, इसका पावर विंडो का आई थिंक मोटर ख़राब हो गया, ये विंडो नीचे नहीं जा रहा है। दूसरा चीज़ है कि इसकी जो स्पीडोमीटर है उसमें लाइट नहीं जल रही है, जब हम रात को हाई बीम या लो बीम करते तो इसमें लाइट नहीं आ रही है। अगेन इलेक्ट्रिकल का दिक्कत होगा कुछ। थर्ड, इसका जो पीछे वाला सीट है वो रिक्लाइन नहीं हो रहा है, और ये सब कुछ कुछ काम है। तो जो लोग मित्सुबिशी पजेरो SFX को लेना चाहते हैं फ्यूचर में, उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो है, बने रहो लास्ट तक। क्लियर हो जाएगा कि इसका पार्ट्स मिलता है कि नहीं मिलता है। पिछले बार जब मैंने काम करवाया था गाड़ी लेने के बाद, ऑल दो ये प्रियून गाड़ी है, तो इसका राइट साइड का जो टायर का अलाइनमेंट नहीं बोलूँगा, टायर ही पूरा टेढ़ा हो गया था। तो जब गाड़ी चलती थी तो एक टायर टेढ़ा रहता था, कुछ दिक्कत था पता नहीं एग्जैक्टली मेरे को, तो वो ठीक हुआ। और एक टाइमिंग बेल्ट इसका ठीक हुआ है। और अगर मैं कॉस्टिंग की बात बताऊँ तो ये दोनों काम आपका 3600 रुपये में हुआ था, 3600। तो इस बार देखते हैं कि क्या काम करवाना। और हाँ, इसकी क्लच जो है ना वो हार्ड हो गई है, तो अगर पॉसिबल हुआ तो इसका क्लच वाला काम भी करवाएंगे, क्योंकि जब दे रहे हैं तो अच्छा से एक ही बार दे देते हैं। तो भैया को मैंने सब कुछ प्रॉब्लम बता दिया है, क्या नहीं है पावर विंडो का, क्लच का, और यहाँ पे भैया अपने हिसाब से भी टेस्टिंग कर रहे हैं क्या है नहीं है। और देख लो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी हैं, यहाँ पे सामने भी एक पजेरो लगी हुई है GLX, उसके बाद यहाँ पे पुरानी वाली फॉर्चुनर, दलिया, रेंज रोवर, फ्रीलैंडर, एंडेवर का काम हो रहा है। तो देख लो यहाँ पे सारी गाड़ियों का काम हो जाता है। देखो गाइज, यहाँ पे एक पजेरो GLX लगी हुई है, इसका जो सामने का शेप है ना ये मेरी वाली से अलग है। बहुत लोग कन्फ्यूज़ करते हैं, ये GLX है, वहाँ पर SFX लगी हुई है। हाँ, लैंड रोवर भी है, जैसे टिंकू भैया बता रहे हैं, यहाँ पे एंडेवर का भी काम हो रहा है, रेंज रोवर का भी काम हो रहा है, फॉर्चुनर भी है पुरानी वाली, एक BMW भी आगे रखी हुई है रेड कलर की। तो यहाँ पे सब गाड़ियों का काम हो जाता है। तो जो भी भाई रांची से देख रहा है यहाँ पे ज़रूर आओ। एड्रेस भी एक बार क्या होगा बता दीजिए। हाँ तो देख लो भाई, यहाँ पे आ जाओ, RKDF यूनिवर्सिटी के जस्ट अपोजिट में ही टिंकू भाई का गैरेज है। कोई भी गाड़ी ले जाओ, सबका काम हो जाएगा। देख लो पूरा ऐसा हिसाब किताब है। अभी का सीन ऐसा है कि अभी टिंकू भैया जो है वो उनके छोटे भाई जो है शायद से वो घर ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि मैं आया था, अब मैं सोच रहा था ओला पकड़ के चले जाऊंगा, लेकिन टिंकू भैया बोले कि नहीं नहीं मेरा छोटा भाई वो छोड़ देगा। देखो ये गाड़ी भी आपको बहुत टाइम बाद व्लॉग में दिखी होगी, और अभी मैं घर आया, हमारी जमन चपट को खाना दिया, और गाड़ी में क्या हुआ पता है, एक मसला हो गया छोटा सा, ये देखो दिखाता हूँ। ये देखो गंदी कितनी हो रखी है, बारिश की वजह से पूरा मिट्टी मिट्टी हो चुका है यार। एक चीज़ से परेशान हुआ है कि चूहे, ये देख रहे हो चूहे ने क्या किया है, ये देखो सीट फाड़ दिया यहाँ से, आर्मरेस्ट को पूरा फाड़ दिया यहाँ से, ये देखो यार ये काम अच्छा नहीं हुआ यार, चूहे ने बहुत गलत किया है काम। खैर एनीवेज अभी गाड़ी को वॉश करते हैं। ये देखो पूरा टायर वायर का हालत देख रहे हो, फिर उसके बाद अपनी इनोवा को भी आज धो देंगे, सोच रहे हैं इनोवा को भी धो देंगे। देखो गाइस, गाड़ी को पूरी तरह से पूरा अच्छे से वॉश किया हुआ, अभी एक दो मिनट छोड़ देता हूँ ऐसे, उसके बाद जितना भी गंदा मटेरियल है, जितना भी मिट्टी विट्टी है सब निकल जाएगा। और धुलने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये कलर बहुत फ्लैशी रेड कलर है। और अपनी ऑन तो खैर क्या ही बोलूँ, यूट्यूब का जो जर्नी मैंने स्टार्ट किया था इसी के बदौलत स्टार्ट किया था। इस पर अलॉय लगाया, डुअल टोन पेंट कराया, बहुत खर्चा किया इस पर। और ये कार बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बहुत स्पेशल ये कार मेरे लिए भी। तो जल्दी से इसको वॉश कर देते हैं, उसके बाद फिर थंडरबर्ड को भी सर्विस पे देना है, इसका भी बहुत टाइम से पेंडिंग है। ये देख लो सब काम करना है, एक एक करके सब काम होगा। तो इसको आधे घंटे मेहनत करने के बाद ये गाड़ी पूरी तरह से रेडी हो गई है। देखो अलॉय चमक रहे हैं पूरे, थोड़े बहुत स्क्रैचेज हैं, वो माइनर हैं, बट पहले से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड डे। ये दूसरा दिन है और अभी मैं इयोन में हूँ, और अभी टायर प्रेशर चेक करवा रहा हूँ। तो आज हम जाएंगे देखने के लिए कि कल जो हमने गाड़ी छोड़ा था पजेरो, क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है, कितनी प्रोसेस हुई है गाड़ी की, नहीं हुई है।
बीच बीच में चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। वो तो मेरी खुशकिस्मती है कि जहाँ पे मैंने पजेरो दिया है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, तो मैं देख सकता हूँ। और टाइम टू टाइम चेक भी करना चाहिए ताकि उनको ये नहीं लगे कि यार ओनर ने तो छोड़ दिया गाड़ी, तो कुछ भी जैसे भी डिले पे डिले करते रहो। नहीं, आपको एकदम लगना पड़ेगा। तो अभी मैं भाई देखने जा रहा हूँ कि क्या है, नहीं है फिलहाल, तो अभी टायर प्रेशर चेक करवा रहा हूँ ये उनकी, फिर मिलते हैं वहीं सीधा, ठीक है। अपनी पजेरो का तीन काम हो चुका है, पावर विंडो, लाइट और सीट का, सिर्फ क्लच का काम नहीं हुआ ना भैया? ठीक है ठीक है, वो भी हो जाएगा। तो गाड़ी अपनी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी रैम पे लगी हुई है गाड़ी हमारी, चाबी टायर पे यहाँ रखा हुआ है ऐसा जगह पे ताकि कोई लेके भाग नहीं जाए। ये देखो गाइस, अभी देखते हैं कितना काम हुआ है नहीं हुआ। अभी इग्निशन डाला हमने, सबसे पहले काम है कि ये चेक करना है कि पावर विंडो उतर रहा है कि नहीं। ये देख लो पूरी तरह से वर्किंग है, ये काम हो गया। तभी मुझे किसी ने सलाह दी पतंजलि चिकित्सालय से निशुल्क परामर्श करने के लिए, मैं अपने रिपोर्ट्स। यार गाड़ी ऐसे जगह पे पार्क है ना कि मैं क्या बताऊँ, ऐसे लटक के जाना पड़ा स्पाइडरमैन जैसा। दो काम हो चुका है, लाइट का काम हो चुका है और वो मीटर भी काम हो गया है। पर ये वाला जो सीट था ये रिक्लाइन नहीं हो रहा था, एक बार पकड़ना तो भाई थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ पे दिखाना। तो ये देखिए गाइस, ये पहले सीट आगे पीछे नहीं हो रहा था, अब सीट आगे पीछे हो रहा है। थोड़ा सीट की तरफ दिखा देना, ये देखो सीट पहले आगे पीछे नहीं होता था, अभी सीट आगे पीछे हो जा रहा है। गाइस क्लच का काम टिंकू बहन ने बोला कि क्लच का ज़रूरत नहीं है, इस क्लच का ज़रूरत नहीं है। टिंकू भैया ने बोला क्लच एकदम नया लगा है, पता नहीं वो आई थिंक 4x4 है, मैनुअल है, ऐसे इसीलिए साथ से क्लच हार्ड है। और पीछे देख लो मेरी ऑन लगी हुई है। टिंकू भैया ने बोला कि गाड़ी का काम हो चुका है तुम आज क्यों नहीं लेके चले जाते हो? मैंने बोला कि भैया मैं इस गाड़ी से आया हूँ तो उसको कैसे लेके आऊँगा, तो हो सकता है आज गाड़ी मिल जाए, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आज गाड़ी मिल जाए हमें। तीसरा दिन है और आज फाइनली हम भैया के साथ आए हुए हैं पजेरो लेने के लिए, कल नहीं मिला शाम में, तो आज ले लेते हैं गाड़ी हमारी। टिंकू भैया से मैंने बात किया, वो एक पजेरो मंगवा रहे हैं वेस्ट बंगाल से, वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन फेल है। तो एक्चुअली मेरे को ना स्टेपनी कवर चाहिए, मैं बहुत ढूंढा, ये जैसा इस पजेरो में जैसा स्टेपनी कवर लगा हुआ है ना, ये देखो, तो सेम मेरे को स्टेपनी कवर अपनी पजेरो के लिए चाहिए, देख रहे हो। और उससे लुक जो आएगा ना इतना ज़्यादा इन्हांस होगा ना गाड़ी का। मैंने भला भैया को कि भैया यही वाला स्टेपनी कवर दे, तो भैया बोले नहीं भाई ये किसी और की गाड़ी का है, तो स्टेपनी कवर मंगवाते हैं अपनी पजेरो में लगवाएंगे। फिर भैया निकाल रहे हैं BMW की 1 सीरीज है, हैचबैक, और ये रियल व्हील ड्राइव है। तो दोज हु इंटरेस्टेड इन ड्रिफ्टिंग इस गाड़ी को ले लो, बहुत रेयर है। 118D ड्रिफ्ट कर सकती हो इजली। ये तो पूरी एक्सीडेंटल है, ये पूरी की पूरी ख़त्म है, एक्सीडेंटल है। ये देखो एयरबैग भी निकला हुआ, एयरबैग डिप्लॉय है इस गाड़ी का, ये देखो। लेकिन बिल्ड क्वालिटी अच्छी है यार, जर्मन गाड़ी है तो अंदर जो भी रहा होगा वो सही सलामत रहा होगा। ये तो पूरी की पूरी ख़त्म है गाड़ी, ये देखो। सो व्हाट्स अप फैम, आज तीसरा या चौथा दिन है, एग्जैक्ट नहीं पता है कौन सा दिन है। और कल रात को मैंने 2 टायर धोया था, ये देख सकते हो आप ये कैसा चमक रहा है, और एक ये देख सकते हो कैसा चमक रहा है। उसके बाद अभी एक इस वाले को साफ किया है, ये देख लो, और लास्ट जो बचा है उसको भी कर ही देता हूँ। और दिखाता हूँ कि ये जो चमक रहा है ना, ये देख रहे हो मिट्टी, ये ब्रश देख रहे हो, ऐसे ऐसे करके पहले पूरा मिट्टी हटाया मैंने ऐसे ऐसे करके, नहीं भी तो कम से कम एक टायर पर मेरे को 20 मिनट लगा है अच्छे से। तो बहुत चीज़ बताना है, पहले इस वाले को अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है। इस वीडियो का जो है इंटरेस्टिंग पार्ट है वो आ चुका है, आप सभी जान रहोगे कि क्या कॉस्टिंग आई क्या कॉस्टिंग नहीं आई जबकि। तो पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। गाड़ी स्टार्ट करते हैं और ये देखो एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट होती है हमारी। तो गाड़ी में जो मैंने बताया था ना कि प्रॉब्लम क्या है, देखो ये राइट साइड का पावर विंडो था, ये काम नहीं कर रहा था, ये ठीक हो गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लाइट नहीं चल रही थी, वो भी ठीक हो गई है, देखो जल रही है। उसके बाद ये जो सीट है पीछे का, ये रिक्लाइन नहीं होता था, ये हो गया। और इसकी कॉस्टिंग तो मैं बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले ये ठीक हुआ तो एम्बेंट लाइट की उस तरफ की लाइट जल रही है, इस तरफ की नहीं जल रही है। ऐसे ही फॉग लाइट का भी वही हाल है कि एक तरफ का फॉग लाइट जो है वो जल रहा है और दूसरी तरफ का नहीं जल रहा है। दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ,
तो ये सब जो छोटे मोटे काम है ना, ये प्रोजेक्ट कार में चलते रहते हैं, ये सब होते रहता है। ये देखो ये लाइट जल रही है, लाइट नहीं जल रही है, तो ये सब काम होते रहता है। और एक पेपर हमारी देखो कैसे देख रही है यहाँ से, इसको लग रहा है कि हम कहीं जा रहे हैं, टेंशन ना लो हम कहीं जा रहे हैं। तो अब सीधा बात करते हैं कि क्या कॉस्टिंग आई है क्या कॉस्टिंग नहीं आई है। ये देखो एक तरफ की फॉग लाइट जल रही है, एक तरफ की फॉग लाइट नहीं जल रही है। सेम एक तरफ का एम्बिएंट लाइट जल रहा है, एक तरफ का एम्बिएंट लाइट नहीं जल रहा है। तो बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। चलो पहले गाड़ी बंद कर लेते हैं एक करके। गाइस तो जो अब प्रॉपर जो बिल बनाना है इस गाड़ी का, जितना भी तीन चार चीज जो हमने काम करवाया है, तो इसकी कॉस्टिंग आई है 5000। अब मुझे नहीं पता आप इस चीज़ को कैसे ले रहे होगे, बट मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी इतनी बड़ी गाड़ी के लिए, जो एक प्रॉपर एक JDM कार है, डिसकंटिन्यू हो गई है, उसके लिए 5000 कुछ भी नहीं है। और पेपर पता नहीं किसको देख के भौंक रही है। जहां तक मैं बात करूं, एम्बिएंट लाइट एक तरफ का जल रहा है, एक तरफ का नहीं जल रहा है। मेरे को लगता है इस गाड़ी का कुछ इलेक्ट्रिकल कुछ दिक्कत होगा, जिसकी वजह से फॉग लाइट में भी वही सेम दिक्कत आ रही है। और दूसरी बात यह है कि ये जो एम्बिएंट लाइट है बहुत, मतलब ये चाइनीज मटेरियल है, मतलब ये अमेजोन से मैंने 800 या 900 मंगाया होगा, तो आप इससे क्या ही उम्मीद रखते हो। फ्यूचर में मैं अच्छा सा पूरा एक लाइटिंग करूँगा, एम्बिएंट लाइट पूरा अच्छा सा जो डोर पैनल में होती है पूरा, लेकिन वो फ्यूचर में होगा। इवन मेरे को सीट कवर्स भी चेंज करवाना है, मैं सोच रहा हूँ कि ब्लैक रखूँ पूरा। आप प्लीज़ कमेंट करो कि क्या रखना चाहिए, आप प्लीज़ अपने सजेशंस दो, क्योंकि आप बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को कि यार हाँ लोग इंटरेस्टेड है पजीरो वाली सीरीज देखने के लिए। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, तो मैं इसी वीडियो में सबको आंसर दे देता हूँ। एक भाई ने पूछा कि भाई इस गाड़ी की वैलिडेशन कब तक है, मतलब रजिस्ट्रेशन क्या है नहीं है। तो ये गाड़ी 2025 तक अभी है, टेंशन फ्री होकर मैं इसे 2025 तक चला सकता हूँ, उसके बाद फिर री रजिस्ट्रेशन मुझे करवाना होगा 5 साल के लिए। और बहुत सारे पूछ रहे थे कि कितने में ली ये गाड़ी, तो मैंने भाई ये 4 लाख 20 हज़ार 4 लाख 25 हज़ार के लमसम कुछ ली थी, एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन 4 लाख पड़ी थी मेरे को। ये 2012 की मित्सुबिशी पजेरो SFX है, टॉप ऑफ द लाइन है। उस टाइम दो मॉडल आता था, एक GLX आता था और एक SFX आता था। GLX जो था वो थोड़ा बेस वेरियंट कह सकते हो आप, और ये SFX जो था वो टॉप मॉडल था, उस टाइम मैं बात कर रहा हूँ। और प्लीज़ बताओ कि क्या आपको देखना है, क्योंकि इस गाड़ी में अब वैसा कोई काम तो बाकी है नहीं। काम देखो काम तो बहुत है, मतलब फ्यूचर में मेरे को डैम्पिंग करवाना है, एंड्रॉयड स्टीरियो लगाना है, सीट कवर्स लगवाना है, लेकिन जितना भी मैकेनिकल दिक्कत था, जैसे इंजन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी में मैंने इसकी सर्विस करवाई थी और उस हिसाब से उतनी किलोमीटर चली है नहीं गाड़ी, तो सर्विस करवाने का कोई मतलब बनता है नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट जितना भी मैकेनिकल इश्यूज था इस गाड़ी का, पावर विंडो से रिलेटेड, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे लाइट नहीं जल रहा था, वो सब फिगर आउट हो चुका है। तो अब आप बताओ कि ऑफ रोडिंग कंटेंट आपको देखना ज़्यादा पसंद है कि मैं इसे वीकली ट्रिप मारूं, प्लीज़ बताओ। और मिलेंगे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी एंड डू व्हाट यू वांट, जस्ट फुलफिल योर ड्रीम्स गाइस, क्योंकि लाइफ इज बहुत, क्या बोलूँ मैं, लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल, यही बोलना चाहूँगा हर वीडियो में। मैं यही मैसेज देता हूँ लास्ट में कि जो ड्रीम है, जो गोल्स है, वो प्लीज़ पूरा करो, क्योंकि यू नेवर नो कब आपके साथ क्या हो जाए। एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी योर पार्ट ऑफ द डे। मिलेंगे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।